कांग्रेस भाजपा को नीचे खींचने के लिए प्रोपोगेंडा चला रही है तो खनसाहू। विधानसभा लोकसभा में जनता ने कांग्रेस को खदेड़ दिया तो खनसाहू। प्रदेश में लगातार सियासत गर्मा रही है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। दरअसल बलौदा बाजार हिंसा मामले में आज प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू धमतरी पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए बलौदा बाजार कांड को लेकर कांग्रेस धरना कर रही उस पर बयान दिया कि राज्य में 6 माह पहले विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को उखाड़ फेंका है। यही नहीं, तोखन ने तंज कसते हुए भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा, जहां लोकसभा में पाठन से भूपेश बघेल को जनता ने खदेड़ दिया है, बस यही कारण है आज कांग्रेस भाजपा को नीचे खींचने के लिए धरना प्रदर्शन कर प्रोपोगेंडा रच रहे हैं। बता दें कि आज प्रधानमंत्री किसानों के खाते में 17वीं किस्त भेजेंगे, जिन्हें देखते हुए आज प्रदेश स्तर कांकेर में किसान सम्मान निधि कार्यक्रम रखा गया, जहां सम्मिलित होने तोखन साहू कांकेर जा रहे थे। इस बीच धमतरी में रुके, जहां मीडिया से बात करते हुए तोखन ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत पार्टी बताया, इनके साथ कांग्रेस को खूब आड़े हाथ लिया। यही नहीं, साहू ने राहुल गांधी सीट छोड़ दिए है और उनके जगह प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने वाली है। इस पर तोखन ने कांग्रेस पार्टी को परिवारवाद पार्टी बता दिया। प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सेवा करने का अवसर दिए हैं। आज देश के हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय, दुनिया और देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त आज सभी किसान भाइयों के खाते में भेजने वाले हैं। उसी का एक कार्यक्रम है कांकेर में प्रदेश स्तर का, उसी कार्यक्रम के लिए मैं जा रहा हूँ और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने किसान की खुशहाली के लिए ये 17वीं किस्त जारी कर रहे हैं। बलौदा बाजार घटना को लेके कांग्रेस लगातार प्रदेश स्तरीय मुद्दा बनाते हुए आपकी भाजपा सरकार को फेलोर बता रही है और प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे? आज से 6 महीना पहले 7 महीना पहले जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को प्रदेश की जनता ने उखाड़ फेंका। लोकसभा का चुनाव आया तब भी भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे थे, उसको वापस पाटन भेज दिया गया। ये चुनाव की खींच उतारने के लिए इस तरह की ये वो प्रोपेगेंडा रच रहे हैं जी। भाजपा पे आरोप लगा रही है कि फेलर हुई है और अपनी नाकामी का जो है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत सरकार है, देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है और काम कर रही है। वायनाड में राहुल गांधी ने अपनी सीट को छोड़ दिया है, प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ने वाली, क्या कहेंगे आप? परिवारवाद, दूसरा कोई सोच ही नहीं है उनकी।